हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। एक्सरसाइज 4D पढ़ा दी गई है। अब एक्सरसाइज 4E पढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्र देखने होंगे, कुछ फार्मूले देखने होंगे। उसके आधार पर उनका उपयोग करते हुए 4E चलेगा। तो आइए देखते हैं। पहला फार्मूला है श्रीधराचार्य का सूत्र, और इसका हम लोग करेंगे निगमन, इसका डेरिवेशन करेंगे। ये रहा हमारा फार्मूला, और यही हमें क्या करना है, लाना है। डेरिवेशन करके क्या करना है, लाना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है, एक फार्मूला आपको बताया गया, सूत्र जिससे हम लोग तुलना करते थे, ax2 + bx + c = 0। तुलना करते थे ना, ये द्विघात समीकरण का सूत्र है, ठीक। अब इसमें ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, c को पक्षांतर कर देते हैं, ax2 + bx = ये प्लस का c है, माइनस का c। पहला स्टेप ये, पहला ये, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप कहता है कि दोनों पक्षों में, ये एक पक्ष बन गया, ये दूसरा पक्ष बन गया, तो दोनों पक्षों में 4a से गुणा कराने पर, लिखता हूँ एक लाइन, हाँ दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर, ठीक। अब देखो यहाँ 4a हो गया, ax2 + bx = −4ac, इतना हो जाएगा, गुणा करा दो, 4a² + 4axb = −4ac। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करते हैं, दोनों पक्षों में b² जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में लिखता हूँ, दोनों पक्षों में b² जोड़ देते हैं, तो 4a² + 4axb + b² = प्लस का है तो पहले लिख देता हूँ, माइनस का 4ac, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहीं से आगे एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखूँ एक लाइन, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2ax² + यहाँ 2 × 2ax × b, और यहाँ b का वर्ग, ये बराबर b² - 4ac। यहाँ तक आप समझ गए हैं, कुछ नहीं किया हूँ, केवल इसको तोड़ा हूँ। यहाँ 4 था, 2 का वर्ग करके, सब 2 का और 2ax का पूरे का वर्ग कर दिया, इसको तोड़ दिया, 2 × 2 = 4, ax वही लिखा है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक किसका फार्मूला बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला बन रहा है 2ax + b का होल वर्ग, ठीक, b² - 4ac, इतना। देखो ये फार्मूला कैसे बना, अभी मैं तोड़ देता हूँ, इसको पूरे को a मानो, इसको b मानो, तो a² या a² है कि नहीं है, 2ax का वर्ग, और प्लस में 2 फार्मूले का a, ये है 2ax, तो a के जगह पे 2ax लिखा गया है, और b के जगह पर b है उसको लिखा गया है, और प्लस में b² यानी कि a² + 2ab + b² ये फार्मूला होता है। तो ये पूरा विस्तार है, इसको मैंने 60 में संपूर्ण का वर्ग करके कर दिया। अब क्या करना है, वर्ग पक्षांतर करेंगे, वर्गमूल हो जाएगा 2ax + b, यहाँ b² - 4ac हो जाएगा, प्लस माइनस रूट रहेगा तो प्लस माइनस। अब b को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 2ax = -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक, इतना हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान,
तो x का मान निकालने के लिए हम x यहीं रखते हैं, 2a को पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ये 2a गुणे में है नीचे आकर भाग हो जाएगा। तो यही मान हमारा निकल कर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, यही मान निकल कर आ गया, इस प्रकार सिद्ध हुआ। ठीक, इस प्रकार सिद्ध हुआ। ठीक, इस प्रकार सिद्ध हुआ। ये रहा श्रीधराचार्य सूत्र, इस पे हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक, अगर आपको गुणनखंड कठिन लगे तो सबसे पहले यहाँ ABC का मान इससे निकाल लीजिए और इस फार्मूले पे रख दीजिए, बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से आप दोनों मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आगे फार्मूला लिख दिया गया है, फार्मूला लिख दिया गया है। अगर दो घात समीकरण हो, ठीक, तो इस पे हम लोग कंपेयर करते थे, क्या करते थे, कंपेयर ABC बराबर मान निकालते थे। ठीक, मान निकालने के बाद रखते थे उसके जगह पे, इसके पहले बताया गया है। तो ऐसे इसमें भी कुछ नियम है, जब आपको मान निकालने के लिए दिया जाएगा और मूल पूछेगा कैसे हैं और उसका जब पहचान पूछेगा तब हम इस पे मान रख कर देखेंगे और निकालेंगे। पहले कंपेयर करेंगे, मतलब ए का मान, बी का मान, सी का मान निकालेंगे। ठीक, देखो कैसे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इस पे हमने ABC का कंपेयर करके मान रख दिया, ठीक, अगर जीरो से बड़ा आ जाता है, किससे, जीरो से बड़ा आ जाता है तो दो भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे, दो भिन्न होंगे जो कि वास्तविक मूल होंगे। आगे इसी पे मान रखेंगे, यहाँ से कंपेयर करके तुलना करके इस पे मान रखेंगे, जब ये जीरो के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर, जीरो के बराबर आ जाएगा, तब दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक, या फिर संपाति वास्तविक मूल होंगे, क्या, वास्तविक मूल भी होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो आ जाएगा तब। तीसरे में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इस पे मान रखे यहाँ से तुलना करके, अगर जीरो से छोटा आ जाता है, किससे, जीरो से छोटा आ जाता है तब कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अगला एक फार्मूला होता है व्युत्क्रम मान निकालने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्युत्क्रम मान बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये रहा आपके फार्मूला, मतलब ये रहे आपके फार्मूले, और ये फार्मूला इसके पहले जो श्रीधराचार्य का बताया गया है, ये इस एक्सरसाइज उसी फार्मूले पर और इस फार्मूले पर दोनों पर लगेगा। ठीक, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर आगे आज यहीं तक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज यहीं तक, अब इसके अगले वाले पार्ट में हम 4e एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 1 से। आप लोग इन फार्मूलों से घर पर लगाने का प्रयास करें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो और तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक, और ये वीडियो जो लोग घर पे बैठे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जब आप लोग शेयर करेंगे तब, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो वो जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।